वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ये मेरी आवाज को क्या हो गया? ऐसा भी क्या बीमार पड़ गया, आवाज ही चेंज हो गई। अब ठीक है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। पिछले हफ्ते कोई वीडियो नहीं आ पाई यार, सॉरी। तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था, बहुत ही ज्यादा। बुखार, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, सब कुछ एक साथ हो गया था। ऐसी तैसी हो गई थी, बहुत हालत खराब। ऊपर से मैं अकेला नीचे जाओ, दवाई लाओ, खुद खाना बनाओ, खाओ, अरे नहीं हो पाता। लेकिन तुम्हारा भाई है प्रो, ठीक है, सब कुछ मैनेज कर लिया, एकदम तबीयत ठीक कर ली, लेकिन थोड़ा सा जुकाम है। फेंक दिया। तुम्हारे भाई ने कमबैक किया है, ठीक है, और सही होते ही नई वीडियो के बारे में सोचने लग गया मैं कि क्या बनाऊंगा नई वीडियो में, एकदम जो अलग हो, हटके हो। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि टेकन 3 की वीडियो तो होगी, लेकिन वो थोड़ी हटके होगी, ठीक है। मैंने सोच लिया तो क्या वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आज की वीडियो कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं होगी गाइस, आज की वीडियो ना फुल ऑन एंटरटेनमेंट होने वाली है, ठीक है, बहुत ही मजे करने वाले हैं हम। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं पहले से लेके आ गया हूँ अपना कीबोर्ड। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार, ये बेशरम पहले से ही क्यों ले आया अपना कीबोर्ड। अगर आपको याद होगा तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट गेम भी टेकन 3 के ऊपर होगी, लेकिन थोड़ी हटके होगी, अलग होगी, ठीक है। तो ये वीडियो कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं होने वाली। इसमें एक्चुअली में हम क्या करेंगे ना, मुझे एक बहुत पहले एक कमेंट आया था कि हम टेकन 3 के अंदर सारे प्लेयर कैसे अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है, तो वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, टेकन 3 में ना सारे प्लेयर अनलॉक करने के दो तरीके हैं। एक तो बहुत ही सड़ेला तरीका है, बहुत ही ज़्यादा रद्दड़, ठीक है, वो सोच रहा हूँ आपको बताऊँ ना बताऊँ, समझ नहीं आ रहा, चलो बता ही देता हूँ। वो जो टेकन 3 के अंदर जो मैम फाइल होती है ना, मेमोरी फाइल, जहाँ पे प्लगइन्स, बायोस वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको बस सिंपली ये जो मेमोरी कार्ड की दो फाइल्स है ये कॉपी करनी होती है, बस और कुछ नहीं करना होता, और आपके सारे प्लेयर्स अनलॉक हो जाते हैं। बताओ, इतना बेकार जो मेथड है, आपको पसंद आएगा कभी? और एक तरीका है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, जो मुझे बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद आएगा, और वो थोड़ी सी ना मेहनत करके मिलता है, ठीक है। मेहनत करनी चाहिए हमें गाइस, मेहनत करना चाहिए, और तभी हम जिंदगी में सफल होते हैं। ये मैं संदीप महेश्वरी क्यों बन गया, खैर छोड़ो उसे। तो हम मेहनत करके एक एक प्लेयर को अनलॉक करेंगे, ठीक है, तो वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जो सेकंड मेथड है, उसमें प्लेयर्स को अनलॉक करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ता है, हर एक प्लेयर से ना आपको आर्केड मोड में फाइनल स्टेज तक पार करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे जैसे ही आप फाइनल स्टेज पार कर लोगे ना ट्रू ओग्रे के साथ, तो आपका एक प्लेयर अनलॉक होगा, ठीक है। अब आपको जिस प्लेयर से आपने 10th स्टेज पार करी थी ना, उसको आप रिपीट नहीं खेलोगे, ठीक है, रिपीट नहीं खेलना। आपको याद रखना है आपने पिछला गेम किससे खेला था। अब आपको अलग प्लेयर से ऐसे ही सारी 1, 2, 3, 4, 10 तक स्टेज पार करनी पड़ेगी, तो एक दूसरा प्लेयर अनलॉक होगा, ठीक है, ऐसे ही तीसरा प्लेयर अनलॉक होगा। आपको इसी तरीके से सारे प्लेयर्स अनलॉक करने हैं, ठीक है। तो ये वाली जो सीरीज होगी ना, ये जो एपिसोड्स होने वाले हैं मेरे टेकन के ऊपर, तो ये इसी चीज़ के ऊपर होगी कि कैसे एक एक प्लेयर हम अनलॉक करने वाले हैं, ठीक है। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और ये कीबोर्ड देख रहे हो, ये क्या तामझाम है, 1, 2, 3, 4, L1, L2, R1, R2, तो ये ना बेस्ट सेटिंग है टेकन 3 खेलने के लिए, जो मैंने खुद से डिज़ाइन किया था। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो देखनी है तो आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगी। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई आपको कैसे करना है, आपको बहुत पसंद आने वाली है वीडियो गाइस, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लेना। तो गाइस, आज की वीडियो में ना हम अपना पहला प्लेयर अनलॉक करने वाले हैं, और जहाँ तक मुझे याद है पहला प्लेयर शायद पैंडा या कूमा अनलॉक होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वही होता है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो स्टार्ट बटन को मैं दबा रहा हूँ। ये आया नहीं, वो क्यों नहीं था, आया आया आया, ठीक है, आर्केड मोड, ये आर्केड मोड में हम चलते हैं। देखो अब गाइज, ये देख रहे हो आप, ये किस तरीके का वो आता है प्लेयर सेलेक्ट करने वाला, इसमें टाइमर भी लगा हुआ है, मतलब बहुत बेकार लगता है ये, है ना गाइज। और आपने मेरे मैक्सिमम वीडियोज़ में दूसरा वाला सिलेक्शन व्यू देखा होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे फटाफट से करना है। आप स्टार्ट और ये सिलेक्ट बटन एक साथ दबाओ, तो आपको इसके बाद कहाँ जाना है, ऑप्शन मोड में, ठीक है, ऑप्शन मोड में आप जाओगे, उसके बाद गेम ऑप्शंस में जाओगे। ये देखो डिफॉल्ट व्यू ये होता है गेम ऑप्शन में, देखो डिफिकल्टी लेवल दिख रहा है, मीडियम है, फाइट काउंट 2, ठीक है,
कैरेक्टर चेंज एट कंटिन्यू, ये आप यस कर दो, ठीक है। आप लेफ्ट और राइट करोगे तो यस नो होगा, ठीक है, यस कर दो। इससे क्या होता है ना कि मान लो आपको कंप्यूटर ने पेल दिया बहुत बेरहमी से, तो आपका सीधे ही गेम ओवर हो जाएगा, बताओ। तो ये आप नहीं चाहते ना, कम से कम एक काउंटडाउन तो हो, 9, 8, 7, 6, 5 इस तरीके से। तो आप इसको यस करना, ठीक है, यस रखना। गार्ड डैमेज नो, ये भी नहीं चाहिए। क्विक सेलेक्ट, ठीक है, यही है वो जो सिलेक्शन व्यू चेंज होता है जिसमें, इसको आप यस कर दो। क्विक सेलेक्ट और कैरेक्टर चेंज एट कंटिन्यू को यस यस कर देते हैं। और मैं डिफ़िकल्टी लेवल ईजी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बीमार था, हाँ ठीक है, यही बहाना चलेगा आज, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए ईजी कर रहा हूँ मैं। चलो एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से। ओके, ये वाली जो मैं ISO फाइल यूज कर रहा हूँ ना टेकन 3 की, ये फुल वर्जन ISO फाइल है, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, हर प्लेयर का आपको एंड जो कट सीन्स है वो सब दिखेंगे, जिसे हम बचपन में बोलते थे ना कि पिक्चर चल रही है प्लेयर्स की, पॉल की पिक्चर, किंग की पिक्चर, नीना की पिक्चर, इस तरीके से। पता नहीं ऐसा क्यों बोलते थे हम, वो एक मिनट की भी नहीं होती थी उनकी कट सीन, उसको भी पिक्चर। खैर कोई बात नहीं, बचपन था भाई वो। तो वो कट सीन्स होते हैं, म्यूजिक होता है इसमें गेम में, जैसे नीना का जो ट्रैक है, साउंड ट्रैक कितना मस्त लगता है, लॉ का भी अच्छा लगता है, तो वो सारे साउंड ट्रैक भी इसमें डले हुए हैं। तो मैं वही ISO फाइल यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली वो बिन फाइल है, .bin. तो अगर वो आपको भी वो फाइल यूज करनी है ना, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल गूगल ड्राइव वाली लिंक होगी, बहुत फास्ट डाउनलोड होगा गाइस, आप यूज कर लेना, ठीक है। जब आप लोड ISO करोगे ना, सेलेक्ट ISO फाइल में जाके, तो वही बिन फाइल यूज कर लेना आप, तो आपका गेम ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, उस गेम फाइल को सेलेक्ट करने की वजह से पता है क्या हुआ, मुझे की कॉन्फ़िगरेशन फिर से करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फटाफट से कर लेता हूँ। तो ये सेट हो गया, यहाँ से एग्जिट। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, मेमोरी कार्ड में जाना है आपको। उसके बाद कार्ड को सेव करोगे, दो बार स्टार्ट दबाओगे, ठीक है। स्टार्ट मेरा ये है, दो बार स्टार्ट, सेव, ओके, ठीक है। एक बार और ऑटो सेव को आपको यस करना है, उसके बाद फिर से कार्ड सेव, ठीक है। एक बार कार्ड लोड भी कर लो, ठीक है, अब ऑटो सेव होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने भी प्लेयर अनलॉक करोगे ना, सब सेव होते जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो चलते हम अपने आर्केड बोर्ड में, देखना गाइस, देखो व्यू चेंज हो गया ना, देखा, अब ये कितना बढ़िया व्यू है, इसमें ना टाइमर है ना कुछ है, और अच्छा भी लगता है ऐसे क्वेश्चन मार्क आता हुआ। हम एक एक करके इसको फिल करेंगे। और आज हम किस प्लेयर से खेले हैं, किससे खेले, किंग से नहीं, किंग से तो बहुत खेल लिया, तो आज हम खेलते ना पॉल से स्टार्ट करते हैं। चलो पॉल से स्टार्ट करेगा मैं, पहले किंग को पीटूंगा। गाइस देखते हैं मैं कितने परफेक्ट राउंड्स लगा सकता हूँ, ठीक है, कितने ज़्यादा परफेक्ट, चलो देखना आप परफेक्ट कितने मारूंगा। यस परफेक्ट, कम ऑन, पहला राउंड परफेक्ट हो गया, मजा आ गया, वाह, पहला राउंड परफेक्ट हो जाता तो बहुत मौज आ जाती है जिंदगी में। ये अलग अलग चीजें मारूंगा मैं, वाह कम ऑन, फिर से परफेक्ट, कम ऑन, क्या बात है। ये सब स्किप कर दूं, रिप्ले देख लेते हैं, बाकी स्किप कर देंगे, कोई बात नहीं, ये ले स्किप। एडी यार ये पागल है, नाचता रहता है, इसमें शायद परफेक्ट ना लगे। यस कम ऑन, अरे परफेक्ट ही लग गया, मैं कुछ और मारना चाह रहा था, आई होप आप समझ गए होंगे क्या मार रहा होगा मैं। हाथ झाड़ देता हूँ मैं पीट पीट के, ठीक है ना। चलो हिट्स चलाते हैं, कॉम्बो हिट्स, कम ऑन, पूरे पूरे खाए इसने बेशरम ने, परफेक्ट खाएगा ये, फिर से परफेक्ट। कौन बोल रहा है मैं इजी में खेल रहा हूँ परफेक्ट मार रहा हूँ, कौन बोल रहा है ये। हाँ यार बीमार था मैं, इजी में खेलूंगा, चलो अगली वीडियो में मीडियम में खेलूंगा, फिर हार्ड में, हार्ड में बहुत हार्ड हो जाता है यार, हार्ड में नहीं खेल सकता मैं। परफेक्ट मारूंगा क्या फिर से। अरे स्टार्टिंग से ही परफेक्ट ही मारे जा रहा हूँ मैं, बताओ क्या बेशर्मी है ये। Yes! मैं हूँ जीतता हुआ एक आदमी, रिहर्सल करें क्या, नहीं हुआ, अब करेंगे रिहर्सल, आ जा। Yes, come on! Yes, come on! Come on!
कितनी बेशर्मी से पिटाए, रिहर्सल करवा के पिटा, बताओ। मजा आ गया, ली आया है भाई साहब। अरे यार परफेक्ट रह गया मेरा बेशरम ने, परफेक्ट। यस ओए नहीं, रह गया। अब लगा, कमान। यस कमान, मजा आ गया। चल अब तो परफेक्ट खाएगा। अरे यार शिट, ले मार मार, परफेक्ट नहीं गया ना, मेरा कुछ और प्लान है। मार और ओए शिट शिट शिट, नहीं नहीं नहीं, ग्रेट बोलेगा क्या? नहीं बोला ग्रेट, मैं ग्रेट करना चाह रहा था, मेरा प्लान था वो। चलो कोई बात नहीं, लॉ आ गया भाई, लॉ पीट देता है, लॉ बहुत बुरी तरह पीटता है। हिट्स चलाएंगे हम, कमान 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 कमान। चल पटकी लेते हैं, पटकी। अरे रिहर्सल भी तो पटकी होती है भाई, रिहर्सल भी तो पटकी। ये देखो मस्त रिहर्सल करता है यार ये पॉल, पटकी वाला मैच होगा ये, सिर्फ पटकी। चलो उड़िया। ले अब कौन सी पटकी? यस कमान, परफेक्ट मारा मैंने पटकियों से परफेक्ट मारता हूँ मैं, ठीक है ना। कहाँ मैंने लॉ को समझा था मुझे पीट देगा, और परफेक्ट मारा मैंने। हॉरेंग, ये है लातों का भूत, इसकी लातें पकड़ूंगा बहुत ज़्यादा। रुको रुको रुको, आजा। ये अरे हाथ पकड़ लिया मैंने, कोई बात नहीं, आजा। अरे 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 छाणा बनना, डेढ़ छाणा, कैसे अचानक से नीचे मार दिया भाई। ले इससे बच लेगा, कर ब्लॉक। उरिया से बच रहा है मेरे, उरिया खाद बनाता हूँ मैं उरिया से। क्या बकवास बात थी ये। आजा हिट्स खाएगा, ये वाले हिट्स खा, ये ले आजा, और हिट्स खाएगा। आहा रोबो हिट्स, कम ऑन, पहली के हो गया, चलाने वाला ही था। एग्जायू, अरे ये खतरनाक प्लेयर है एग्जायू, मुझे इससे भी खेलना पसंद है वैसे, एग्जायू से बहुत मज़ा आता है। आजा यार, कोई परफेक्ट नहीं दे रहा अब। अच्छा स्टेज 7 भी तो है, ये कैसे भूल गया मैं। कमान आजा, परफेक्ट मारता है तुम्हारा भाई, ठीक है, मजाक नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं। योशिमित्सु यार, योशिमित्सु खतरनाक आया भाई, 8th स्टेज में आया था ये तो। नहीं, ओ नहीं, पटकी दी, ओ नहीं नहीं नहीं, काट डाला भैया। अरे मैं तो बच गया, मरने वाला था मैं। चला बाजा, ज्यादा बंदा था क्या अपने आप को? ये ले, ये चलाएगा मेरे सामने हैं? अरे पटकी ले ली मेरी, अब मैं भी पटकी से ही मारूंगा इसको। ये ले कमान, पटकी का बदला पटकी, ठीक है ना, पटकी का बदला हमेशा पटकी होता है। हियाइची टकला, भाई साहब टकला बहुत खतरनाक है, टकला मजाक में मत लेना इसको। ये ले, घंटा खतरनाक है ये, ऐसे ही मार दिया मैंने उसको, 5 सेकंड के अंदर तक निपटा दिया, बताओ। आज आप इसके रिहर्सल करेंगे, मजे लेंगे। ये ले, इतना मजा आता है ना रिहर्सल करने में। अरे पहली दबा दिया मैंने रिहर्सल का। ये ले, अबे जब रिहर्सल कर रहा हूँ मैं, पता है तो क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है बार बार हैं? ये ले, हर बार पकड़ा भाई मैंने इसको, मजा आ गया। तुर्रे तुर्रे, ओ
ओग्रे। यार ये टेकन थ्री में ये था ओग्रे, उसके बाद हट गया ये। देखो फिर पकड़ लिया मैंने, ये तो पकड़ना आना चाहिए। अरे पेल दिया भैया, आजा आजा आजा, ये ले फिर पकड़ा मैंने, ये ले। अरे भाई साहब ये कह रहा, ओ तू कैसे मर गया है, उठ उठा। ट्रू हो गया यार, ये राउंड जीतना पड़ेगा तभी हम अनलॉक कर पाएंगे प्लेयर। ये ले पटकी, सिर्फ पटकी से जीतूं मैं। चलो गाइस चैलेंज है मेरा, ओनली पटकी, ओनली पटकी गेम प्ले। ओ नो, ओनली पटकी गेम प्ले, कम ऑन। आ ये भी तो पटकी थी, रिहर्सल। यस जीत गया मैं, फाइनल स्टेज भी जीत गया। क्या बात है, काफी जल्दी से मैंने पार कर लिए सारे। देखते हैं पॉल की पिक्चर, क्या मस्त पिक्चर है। ट्रक जा रहा है, ट्रक का पीछा कर रहा है। अरे ओ भाई साहब, बुल्ट बुल्ट है इसके पास। ये पिक्चर मुझे आज तक समझ नहीं आई, ये टर्मिनेटर वाला मुझे वो लगता है, टर्मिनेटर 2 में नहीं था जो जो पुलिस वाला कॉप, वो लगता है मुझे। ये लो बहस हो गई, चलान कट गया। ये क्या बात है, बट चलान कट गया यार, शिट। टूर्नामेंट अब ऐसे आ गया, कुछ भी बटन दबा दो, ऐसे बटन दबा दो, ठीक है। ओके ये आ गया हमारे पास, अब मैं गेम स्टार्ट करूँगा फिर से, स्टार्ट बटन दबा रहा हूँ। चलो आर्केड मोड, ये देखो नया प्लेयर अनलॉक, कम ऑन। देख रहे हो कुमा, कुमा ही पांडा है, ठीक है। कुमा देखो अनलॉक हो गया, ठीक है। बहुत ही मज़ा आया गाइज आज, है ना। और गाइज फॉर द सेफ्टी पर्पसेस आपको क्या करना है, एक बार दोनों स्टार्ट और सेलेक्ट बटन एक साथ दबाओ, ठीक है। सेफ्टी पर्पसेस के लिए बोल रहा हूँ, ऑप्शन में जाओ, मेमोरी कार्ड में जाओ, कार्ड को सेव कर लो दो बार स्टार्ट दबा के, बस। इसके बाद एग्जिट कर लो, फिर से आओ आर्केड मोड में। अब जब आप गेम बंद करके दोबारा खोलोगे ना तो ये ऐसा ही आएगा, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना यार, कुछ थोड़ा सा अलग किया है, स्ट्रीम टाइप का कराया थोड़ा। तो गाइज अगर आप चाहते हो कि ये मैं स्ट्रीम में करूँ तो बताना, मैं वो स्ट्रीम चालू कर दूंगा इसके ऊपर। आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है लाइक से, समझा करो, ठीक है। और चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ठीक है, ताकि आप मेरी कोई भी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा प्लेयर अनलॉक करेंगे, पता नहीं वो कौन सा प्लेयर होने वाला है, लेट्स सी, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।